Hello, welcome to Joy World Channel. My name is Nisha. Today I am back with another beautiful book summary. जो book आज मैंने choose की है, this book is Good Vibes and Good Life. इस book के जो author हैं वो है Bex King. ये book बहुत अच्छी book है. मैं सबको recommend करूँगी इस book को read करने के लिए और special recommendation उन लोगों के लिए जो अपनी life में किसी तरह की problem face कर रहे हैं, struggle कर रहे हैं या पहले उन्होंने struggle किया और वो उस struggling phase से बाहर निकलना चाहते हैं. किसी तरह का trauma किसी ने face किया है तो उस situation से बाहर निकल के how can they feel happier and brighter. इस book में जो author हैं उन्होंने अपने personal life के experience भी share किए हैं. ऑथर खुद अपने बचपन में बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं, अपने टीनेज में बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं और वो अपने एक्सपीरियंस इसमें बताते हैं किस तरह से उन्होंने अपने ड्रीम को अचीव किया है इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रगल्स. तो ये बुक बहुत अच्छी है. इस बुक में जो लर्निंग्स दी गई हैं उसमें से मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ. फर्स्ट पॉइंट इज वाइब्रेटिंग एट ए हायर लेवल. यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं वो सब एटम से बने हुए हैं एंड एटम वाइब्रेट्स. तो उसी तरह से अगर आप एक एग्जांपल लेके देखिए कि रेडियो में आप रेडियो को जिस फ्रिक्वेंसी पे सेट करते हैं वही आपको म्यूजिक सुनाई देता है. अगर आपने डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे सेट किया तो आपको दूसरे चैनल से म्यूजिक सुनाई देगा. तो इस तरह से जिस फ्रिक्वेंसी पे आप रेडियो को सेट करते हो आपको उसी चैनल से कनेक्ट हो जाते हैं. वैसे ही हमारी वाइब्रेशंस जैसी होती हैं, अगर हमारी वाइब्रेशंस हाई हैं तो हमें हाई रिजल्ट मिलेगा यानी कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस आएंगे. अगर हमारी वाइब्रेशंस लो हैं तो हमारी लाइफ में भी वैसे ही नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आएंगे, नेगेटिव लोग आएंगे. तो अपने आप की वाइब्रेशंस चेक करने के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका ऑथर ने हमें बताया है कि आप अपनी इमोशनल स्टेट को चेक कीजिए. अगर आप हैप्पी हैं, अगर आप खुश हैं, दैट मीन्स कि आपकी जो इमोशनल स्टेट है वो आपको हायर वाइब्रेशंस पे लेके जाती है. अगर आपकी वाइब्रेशंस लो हैं दैट मीन्स आप खुश नहीं फील कर रहे हैं. तो आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपकी इमोशनल स्टेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. तो जब भी आपको फील हो कि आप नेगेटिव फील कर रहे हैं या लो फील कर रहे हैं तो आप खुशी ढूंढिए, खुश होइए. खुश होंगे तो आपके वाइब्रेशंस भी अप जाएंगे और जब आपकी वाइब्रेशंस अप होंगी तो आप अपनी लाइफ में वो सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी लाइफ में और ज़्यादा खुशी लेकर आएंगे. तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वाइब्रेशंस को पहचानें और अपने वाइब्रेशंस को चेंज करें. पॉइंट इज इंडल्ज योर सेल्फ इन द पॉजिटिव हैबिट्स. हमारा जो गोल है अपनी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हायर लेवल पर वाइब्रेट करें. अब हायर लेवल पर वाइब्रेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी अपनी लाइफ में पॉजिटिव और अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए. अब ये जो कुछ हैबिट्स होती हैं इनमें से कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव फील कराती हैं और कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में हायर वाइब्रेट करने में हेल्प करती हैं और आपकी लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करती हैं. जैसे कि आप किसी जो आपके लोग आसपास रहते हैं तो पॉजिटिव लोगों के साथ आप खुद को सराउंड कीजिए. जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वैसे ही वाइब्रेशंस आपको भी फील होती है. अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपका मूड भी अपलिफ्ट होगा और आप पॉजिटिव फील करने लगेंगे. अवॉइड गॉसिपिंग, गॉसिप से दूर रहिए क्योंकि गॉसिप से एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी वाइब्रेशंस बिल्कुल लो चली जाती हैं. तो गॉसिप नहीं करनी है. आपको अपने आप को मोटिवेशन देना है, कुछ ऐसा देना है जिससे कि आप इंस्पिरेशन ले सकें. इट कुड बी सेल्फ हेल्प बुक्स, इट कुड बी अ गुड मूवी, इट कुड बी एनीथिंग. कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में जो आपको मोटिवेट करता रहता है तो इस तरह से आपको इंस्पिरेशन अपनी लाइफ में रखना है और आपको नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से हटा देना है. पॉजिटिविटी से खुद को सराउंड करके रखना है. जब आपके आसपास हैप्पीनेस होगी तो आप हायर लेवल पर वाइब्रेट करेंगे. और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हायर वाइब्रेट करने के लिए कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कीजिए. आप एक बार स्माइल करके देखिए, आपको अंदर से भी हैप्पी फील होगा. तो पावर पोजेस को चूज कीजिए. पावर पोज आपको इंस्टेंटली 20% कॉन्फिडेंस में बूस्ट अप कर देते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आप को हायर स्टेट में वाइब्रेट कर सकते हैं अपने अंदर अच्छी हैबिट्स को डेवलप करके. कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव इफेक्ट्स देती हैं, जैसे कि ग्रेटफुल होना या मेडिटेशन. इन हैबिट्स को आप जब इनकल्कुलेट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए हायर वाइब्रेशन मोड पे चले जाते हैं. थर्ड पॉइंट इज प्रायोरिटाइज योरसेल्फ. अब आपको अगर खुद को खुश रखना है तो आपको खुद को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू अदर्स.
थिंक ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट को अगर आपने टॉक्सिक सर्कमस्टांसेस में रखा है तो धीरे धीरे वो डाई होने लगता है। वहीं उस प्लांट को अगर आप फेवरेबल कंडीशंस में शिफ्ट कर देते हैं तो वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। जब आप उसकी केयर करते रहेंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग ट्री बन जाता है। उसके बाद उस ट्री पर एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसी तरह से आपकी लाइफ में भी टॉक्सिक लोग होते हैं, टॉक्सिक सर्कमस्टांसेस होते हैं। आपको खुद को उस सर्कमस्टांसेस से बाहर निकाल कर अपने आप पे ध्यान देना है। जब आप टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाएंगे तो टॉक्सिक लोगों से दूर होने के बाद आप खुद ये फील करेंगे कि आप हील करना स्टार्ट करते हैं, आप ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। और जब जैसे ही वो प्लांट ग्रो होकर स्ट्रोंग बन गया था, वैसे ही आप भी टॉक्सिक लोगों से दूर होकर ग्रो करेंगे और स्ट्रोंग बन जाएंगे। अब टॉक्सिक लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये आपके ही आसपास होते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। जैसे वो लोग जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो लोग जो आपका मजाक उड़ाते हैं, वो लोग जब आप उनके साथ कोई प्लान शेयर करते हैं तो आपको सपोर्ट करने की बजाय उस प्लान की डाउन साइड दिखाते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स दिखाते हैं। वो लोग जो आपको आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, इस तरह के लोगों से आपको दूर रहना है। और सबसे सिंपल तरीका टॉक्सिक लोगों को आइडेंटिफाई करने का है कि उनकी प्रेजेंस में आपको अच्छा फील नहीं होता, दे डोंट मेक यू फील गुड। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, ऐसे सर्कमस्टांसेस से दूर हो जाइए जो आपकी खुशी को आपसे छीन लेते हैं और जो आपको अंदर से वीक बनाते हैं। आपको अपनी लाइफ में रियल फ्रेंड्स को चूज करना चाहिए। आजकल हमारा कल्चर ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया पे हम जिन भी लोगों से कनेक्ट करते हैं हम उन सबको फ्रेंड कहते हैं। किसी से एक बार मिल लिए उसको हम फ्रेंड कह देते हैं, लेकिन रियल फ्रेंड की डेफिनेशन ये नहीं है। फ्रेंड वो होते हैं जो आपकी ज़रूरत में आपके साथ खड़े होते हैं, आपके प्रॉब्लम्स में आपको सपोर्ट करते हैं। आप एक बार अपने फ्रेंड्स की लिस्ट में से ये आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसे कितने हैं जो आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम आने पर सपोर्ट करेंगे, तो वही आपके फ्रेंड्स हैं। हर कोई आपका फ्रेंड नहीं हो सकता है, तो अपने अच्छे फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उनके साथ रहिए। दूसरा, अपने मूड को भी हमें चेक करते रहना चाहिए, अपने बिहेवियर को भी चेक करते रहना चाहिए। कई बार हम खुद के लिए ही टॉक्सिक होते हैं, तो ऐसा बिहेवियर जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उसे हमें चेंज कर देना चाहिए। ऐसी हैबिट्स जो हमारे लिए अच्छी नहीं है उन्हें हमें चेंज करके हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कम्स मैनिफेस्टिंग योर गोल्स एंड टेकिंग एक्शन। अब आपने जो गोल्स सेट किए हैं, आप जो अचीव करना चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट करना और अचीव करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होना। जब आप नेगेटिव माइंड स्टेट में होते हैं तो आप क्या खुद को क्या बोल, आई कांट अचीव दिस, तो ऐसे में आपके ब्रेन को भी मैसेज जाता है कि आई कांट डू दिस, और वो ब्रेन रिलैक्स होकर बैठ जाता है, वो कुछ नहीं करता है आपकी गोल्स को अचीव करने में, आपको कोई आइडिया सजेस्ट नहीं करता है। वहीं अगर आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो आप अपने माइंड को क्या बोलेंगे कि आई कैन डू दिस, वहाँ से आपके ब्रेन को पावर मिलेगी एंड विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ये ब्रेन आपको फिर आइडियाज सजेस्ट करना स्टार्ट करेगा, आपकी लाइफ में वो सर्कमस्टांसेस आने लगेंगे जिससे कि आप अपने गोल के और पास पहुंच जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, दो बच्चे थे जो कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, उन दोनों का स्किल लेवल सेम था। एक बच्चा जो है वो डर जाता है, वो कहता है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत ट्रेनिंग लिया हुआ है तो मैं तो उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही उसने ये बोला कि मैं कम्पीट नहीं कर सकता हूँ, उसके ब्रेन ने और वैसे ही सिनेरियो क्रिएट करने स्टार्ट कर दिए और वो बच्चे ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ जो उसका फ्रेंड था, उसका भी सेम स्किल लेवल था उस गेम में, बट उसने क्या कहा कि आई कैन डू, आई कैन अचीव द थिंग्स। और उसके माइंड ने जब ऐसा रिस्पॉन्स सुना तो उसके माइंड ने उसको आइडिया सजेस्ट की वो कैसे कर सकता है। उसने उन लोगों को फॉलो किया, उन लोगों से मिला जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, उनको देखा और उसने वो स्किल्स खुद में डेवलप की और वो बहुत अच्छा प्लेयर बन गया। तो इस तरह से आपका नेगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके गोल को अचीव करने में या फिर फेल होने में। आप एफिर्मेशंस को अगर रिपीट करते हैं वो आपको बहुत बेनिफिट देता है। एफिर्मेशंस को रिपीट करने से क्या होता है, आप बार बार अपने माइंड को सजेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये करना है। जब आप अपने माइंड को बार बार सजेस्ट करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस में सेट हो जाता है एंड देन योर सबकॉन्शियस माइंड ट्राइज इट्स बेस्ट टू गिव यू ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस व्हिच कैन लीड यू टू योर गोल। तो इस तरह से अफर्मेशंस क्या हैं, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो आपको प्रेजेंट टेंस में बोलनी है। जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको आपको ऐसे बिलीव करना है कि वो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, या आपको विजुअलाइज करना है अपने गोल को कि मैंने ये गोल जो है अचीव करना है इतने टाइम फ्रेम में, और
जब आप बार बार अपने गोल को विजुअलाइज करेंगे, आप देखेंगे कि मेरा गोल अचीव होने के बाद मैं क्या करूंगा, तो उस तरह से आपका जो ब्रेन है उसको सच मानने लगता है और वैसे ही एक्ट करने लगता है और आपको हेल्प करता है आपके गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्शन लेना। जब आप डिसाइड कर लेते हैं, आपका ब्रेन रेडी है आपको हेल्प करने के लिए, अफर्मेशंस के थ्रू आपने अपने ब्रेन को प्रिपेयर किया है, तो आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक एक्शन प्लान लेके आप वर्कआउट नहीं करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन, डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दिस, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि वो काम नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम पे भी वो हार नहीं मानते और वो काम को करते हैं। और जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो उस टाइम पर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैं इसको बाद में कर लूँगा और प्रोकास्टिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल उस काम को करते हैं इररिस्पेक्टिव व्हाट दे आर फीलिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स की तरह अपने गोल से स्टिक होके अपने गोल को अचीव करने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स करने हैं। इस कंटिन्यूस एफर्ट का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट इज पेन एंड पर्पस। ग्रीक सोलर अरिस्टू ने कहा था कि एवरीथिंग विच हैपन्स हैपन्स फॉर अ रीजन। लाइफ में जो कुछ भी होता है उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है, और हमारी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है वही तो हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। चाहे हमने बैड एक्सपीरियंस किया या गुड एक्सपीरियंस किया, जो बैड एक्सपीरियंस है वो भी आपको स्ट्रोंग बनाते हैं। उनकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रोंग बन जाती है जो कि आज आपकी पर्सनैलिटी है। तो आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि आपके साथ इतने बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बट आप उन चीज़ों से सीख सकते हैं। आप इसको इस तरह से रिलेट कीजिए कि जो भी बैड एक्सपीरियंस हो रहे हैं दे आर मेकिंग यू स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। और आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आपके साथ रिपीट होती रहती हैं, वो आपकी लाइफ में कुछ लेसन देने के लिए आते हैं। जब तक आप अपनी लाइफ में वो लेसन नहीं सीख लेंगे, द सेम सिचुएशन विल कीप ऑन रिपीटिंग। को अपनी मिस्टेक्स से सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई मिस्टेक कर दी और उस मिस्टेक से एक बार बच गए तो आप उसको कंटिन्यू करते रहें। जैसे कि अगर आपने ड्रिंक करके ड्राइविंग किया और आपका एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में आप बच गए, आप सेफ रह गए, दैट डजंट मीन कि आप मोटिवेट होकर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही करें और ये सोचें कि मैं तो सेफ हूँ। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप ना बचे। तो इस तरह की मिस्टेक से आपको लेसन लेके खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, दैट नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो इस तरह से जब आप अपने लेसन्स को सीख कर खुद को इम्प्रूव करते हैं, कंटिन्यूस एफर्ट करते हैं, तो आप अपने गोल को डेफिनेटली अचीव कर लेते हैं। तो ये थी कुछ लर्निंग्स जो मैंने इस बुक से सीखी हैं, और इस बुक में और भी बहुत सारा कंटेंट है जो आपको पॉजिटिवनेस देने वाला है। इस बुक को एक बार ज़रूर रीड कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।